तो आइए आपको सीधा लिए चलते हैं कोटा, जहां कृषि महोत्सव में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संबोधित कर रहे हैं। खेती के माध्यम से हम ज्यादा उत्पादन, कम लागत, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और उसका वैल्यू एडिशन कर किस तरीके से देश के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। और इसीलिए इस दो दिवसीय इस महोत्सव में आप जब जाएंगे स्टॉल पर देखेंगे किस तरीके से भारत ने नवाचार किया है, हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनका नया सोच, नया चिंतन, नया इनोवेशन, नए रिसर्च के माध्यम से नए स्टार्टअप शुरू कर उन्होंने किस तरीके से किसान की उपज को बढ़ाने का काम किया, उसका वैल्यू एडिशन करने का काम किया। और मैंने प्रदर्शनी में देखा है किस तरीके से उन्होंने किसान का, चाहे दाल हो, चाहे हमारे मोटे अनाज हो, चाहे फलोद्यान हो, चाहे जड़ी बूटियां हो, हर छोटी चीज का उपयोग कर उसका वैल्यू एडिशन कर किस तरीके से किसान की आमदनी को बढ़ाने का काम किया है। और इन्हीं किसानों के स्टार्टअप के माध्यम से, नवचारों के माध्यम से इस हाड़ौती के किसानों की जिंदगी को बेहतर करने का काम करेंगे। हम परंपरागत खेती करते हैं, लेकिन परंपरागत खेती के साथ साथ हमें नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा, नए नवाचारों का उपयोग करना पड़ेगा। हमारी लागत को कम करने के लिए जो नए इनोवेशन हुए हैं उसका उपयोग करना पड़ेगा। अभी किसान कुछ हिचकता है, किसान बदलाव करना बहुत मुश्किल कठिन काम होता है, लेकिन मुझे हाड़ौती के किसानों पर विश्वास है बदलाव होगा तो इसी हाड़ौती की धरती से होगा और ये किसान भाई बदलाव कर दिखाएंगे। इसलिए हमें बदलाव करना है खेती के नए तरीके पे। अब किसान का बेटा किसी सेठ साहूकार की नौकरी नहीं करेगा, अब किसान का बेटा गांव के अंदर रहकर उस खेती को मुनाफे का व्यापार उद्योग बनाकर दुनिया को बताने का काम करेगा। और मेरा यही सपना है, जब मैं गांव में जाता हूं तो पढ़े लिखे किसानों के नौजवान युवाओं को देखता हूं, मैं उनसे एक ही सवाल करता हूं, क्यों नहीं दुनिया और देश में जो परिवर्तन हो रहे हैं उस परिवर्तन को हम कुछ खेतों में कर दिखे, अगर उसके परिणाम ठीक आते हैं, इसकी आवाज बंद करना, उसके अगर रिजल्ट ठीक आते हैं तो उस परिणाम और रिजल्ट को देखने के बाद किसान दूसरी खेती में करेगा। आप चले जाओ हाड़ौती के आसपास के कई गांवों के अंदर, जिन लोगों ने अमरूद लगाने का काम किया, नींबू लगाने का काम किया, अभी आगे भवानी मंडी के आसपास के इलाके में चले जाओ तो वहां का संतरा नागपुर के संतरे से भी बढ़िया संतरा होता है। और इसलिए कई सारी चीजें हैं, इनका कैसे उपयोग कर सकते हैं। मुझे कई किसान कहते हैं कि हम एक बीघा के अंदर 30 से 40 हजार रुपया अमरूदों में कमाते हैं, मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन मैंने खेत पर जाकर देखा है किस तरीके से अमरूद उगाकर जो साधारण खेती थी उसकी नई क्वालिटी के आधार पर किस तरीके से, कल मैंने देखा कि एक छोटे नींबू बिना बीज के उन नींबू की साइज देखकर मुझे लगा कि अगर किसान उन अमरूद, आम, बहुत तरह के आम आपने देखे होंगे लगाने के, गिद्दरपुरा का किसान दुनिया के अंदर अपने आम को बेचता है, वो नींबू के पेड़ जो 50 रुपए में आते हैं, आप उसकी चिंता मत करो। मैं पिछली बार भी कहा था कि हर विधानसभा 1 लाख पौधे आपको जन सहयोग से दिलाएंगे, आप पौधों करने का काम करो, आप पेड़ पर फसल के साथ साथ फलोद्यान करने का काम करो, उस फल का उपयोग यहां पर प्रदर्शनी में आप देखेंगे किस तरीके के आंवले के बहुत सारे उपयोग करने का काम किया है, नींबू का बहुत सारा उपयोग किया है,
हमारे यहाँ जामुन बहुत होते हैं, जामुन की गुठली का उपयोग, जामुन का खुद का उपयोग, और उसके बाद कम से कम 1000 दिन तक उस जामुन के निकाले हुए रस को प्रिजर्व करने का काम यहां पर किया है। यहां पर अभी केसरायपाटन में प्लांट लगने वाला है, बूंदी में प्लांट लगने वाला है। हम सब्जी का बड़ा उत्पादन इस हाड़ौती को बना सकते हैं। आने वाले समय के अंदर कोटा से बंबई 8 घंटे, कोटा से दिल्ली 4.5 घंटे, कोटा से ग्वालियर 3 घंटे, कोटा से मुरैना 2.5 घंटे और कोटा से इलाहाबाद तक 7 घंटे के अंदर किसान अपनी आमदनी को बेच सकता है। प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से रेल चलाई, किसान रेल, जिसके किसान रेल के अंदर एयर कंडीशन है, चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है, जिसके माध्यम से हम आने वाले समय में आप इतनी सब्जी करने लग जाओ, इतना दूध करने लग जाओ कि कोटा से दिल्ली, कोटा से बंबई कोल्ड स्टोरेज की तरह रेल चले और हाड़ौती के किसानों की जिंदगियों को बदलने का काम करें। इसलिए साथियों, हमें किसान खेती के अंदर, किसान खेती के साथ फलोद्यान के अंदर, फलोद्यान के साथ जड़ी बूटियों के अंदर, अभी तोमर साहब हम आ रहे थे तो कई लोगों ने लगाया, हमने कहा क्या है, उन्हें कहा हर जड़ी बूटी की अलग लहसुन और दुनिया के अंदर उसकी मांग है। हर जड़ी बूटी का उपयोग यहां पर हमें करना है, नई जड़ी बूटियां उपयोग करनी है। आने वाला समय दुनिया के अंदर आयुर्वेद का होगा और आयुर्वेद के लिए जड़ी बूटी से बनी दवाई ही साय बिना साइड इफेक्ट के आधार पर लोगों को इलाज करने का काम करेंगे। इससे मेरा आग्रह आप लोगों से कि 2 दिन तक आप यहां पर बात करें, किसान कभी पेस्टिसाइड का ज्यादा उपयोग नहीं करें, कम पेस्टिसाइड का उपयोग करें, कम फर्टिलाइजर का उपयोग करें। हमें मिट्टी बचानी है, ये मिट्टी हमारी धरती मां है, हमारी पीढ़ियों तक मिट्टी का संरक्षण रहे इसकी जिम्मेदारी भी हम सब की है। इसलिए मिट्टी कैसे बच सकती है इसके लिए भी आप यहां पर देख के जाएं और हर मिट्टी की जांच के बाद जितनी आवश्यकता हो उस तरीके का फर्टिलाइजर डालें। मेरा दावा है, मैं दोनों फर्टिलाइजर कंपनियों से भी बात की है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी बात की है, हर खेत के अंदर मिट्टी जांच आपकी निःशुल्क होगी, चलती फिरती वाहन हर गांव में पहुंचेगा, आपकी मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करेगा, उसके आधार पर आप फर्टिलाइजर का उपयोग करें। क्योंकि यहां पर पानी ज्यादा है तोमर साहब, चंबल नदी के किनारे, इसलिए पानी का उपयोग ज्यादा करने से कोई ज्यादा उत्पादन नहीं होता, कम पानी का उपयोग। ये ड्रोन है, ये ड्रोन से आपका पानी का कम उपयोग होगा। अगर आपके कोई बीमारी लग जाएगी तो ड्रोन देखेगा किस पत्ती पर कौन सी बीमारी लगी है और ये ड्रोन उसी पत्ती पर जहां पर आवश्यकता होगी कीड़ा वहीं पेस्टिसाइड डालेगा, पूरे खेत पर पेस्टिसाइड नहीं डालेगा। दुनिया बदल गई है जी, अब दुनिया बदल गई तो हमें बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बीमारी लगी तो पूरे खेत पर पेस्टिसाइड कर दी। आने वाले समय के अंदर आप सब लोग साथ खड़े रहें, इस बार एक तहसील के अंदर एक ड्रोन देंगे, आने वाले समय के अंदर हर पंचायत में एक ड्रोन किसानों के पास रहेगा और वह ड्रोन जाएगा, उसकी जांच करेगा कौन सी बीमारी लगी है, वही पेस्टिसाइड डालेगा ताकि कम पेस्टिसाइड डले, ताकि पेस्टिसाइड के कारण जो लोग रोज मौतें हो रही है वो हमारे लिए चिंता का विषय है। इसलिए मैं पुनः आज माननीय तोमर साहब को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक हाड़ौती से नई शुरुआत की है, किसान की समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए। और हमारा सपना यही है कि जब तक देश का किसान आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, हम भारत के आर्थिक तंत्र को बदल नहीं सकते। दुनिया के अंदर और भारत के अंदर जब कुछ भी बदला है तो भारत के किसानों ने बदला है, भारत के नौजवानों ने पलटा है, और ये भारत के किसान ही नए आर्थिक युग की शुरुआत कर सकते हैं। नए भारत और आत्मनिर्भर भारत की ताकत भारत का किसान है, हाड़ौती का किसान है, और ये हम सबको करके दिखाना है। पुनः तोमर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।
धन्यवाद सर। निश्चित तौर पर आपकी रहनुमाई में जो हाड़ौती का किसान है जिस मंजिल को पाना चाहता है उस मंजिल को पाएगा। और जब हम 21वीं सदी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो नई तकनीक के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, और ये दो दिन हमारे किसानों ने, हमारे अन्नदाताओं ने वो नई तकनीक को जाना है और पहचाना है, और निश्चित तौर पर उसका फायदा उन्हें अपनी कृषि में होगा। और अब इन पंक्तियों के साथ, ये सुबह ये आलम ये फिजा मुस्कुराती है, ये सुबह ये आलम ये फिजा मुस्कुराती है, बूंदे हवा में ठहरी है जाने क्या गुनगुनाती है, एक श्यामल टुकड़ा बादल भी बिछा के चला गया, आप जैसे इंसान को तो कायनात भी सर झुकाती है, कायनात भी सर झुकाती है। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करती हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब को। हाड़ौती के इलाके में इस विशाल कृषि महोत्सव प्रदर्शनी और प्रशिक्षण के कार्यक्रम में हम सब के मध्य विराजमान इस क्षेत्र के प्रख्यात नेता, आप सब के लोकप्रिय सांसद और भारतवर्ष की लोकतंत्र का जो मंदिर है लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला साहब, इस अवसर को सुशोभित करने के लिए मंच पर विराजमान हमारे माननीय विधायकगण श्रीमान मदन दिलावर जी, श्रीमान अशोक डोगरा जी, श्रीमती चंद्रलेखा जी, श्री संदीप शर्मा जी, श्रीमती कल्पना देवी जी, श्री प्रभुलाल सैनी जी, हीरालाल नागर जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार सोनी जी, मुकुट नागर जी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सभी अधिकारीगण और इस अवसर पर उपस्थित इस क्षेत्र के किसान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज कृषि महोत्सव का यह अवसर हाड़ौती के इलाके में संपन्न हो रहा है, इसके लिए मैं माननीय ओम बिरला जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि अगर उन्होंने आग्रह नहीं किया होता तो शायद ये कार्यक्रम यहां संभव नहीं होता। हम सब जानते हैं लोकतंत्र में जन प्रतिनिधि की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, और अगर जन प्रतिनिधि अपने क्षेत्र का ठीक हमने चुन लिया तो 5 साल तक फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं रहती। मुझे प्रसन्नता है कि आपके सांसद ओम बिरला जी हैं। ओम बिरला जी मेरे संगठनात्मक दृष्टि से पुराने मित्र भी हैं, हम सब लंबे समय तक पार्टी में काम करते रहे हैं, और आज वे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष हैं। जिस संगठन में काम करते थे
तब भी उनके काम में धार थी। जब विधायक बने, सांसद बने, तब भी उनके काम में सक्रियता और जोश था। और आज जब वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, तो मैंने वे कई अध्यक्ष देखे हैं, लेकिन जब ओम बिरला जी के संचालन को देखता हूं तो मुझे लगता है कि ओम बिरला जी लोकसभा